हेलो, मेरा नाम है चितवन और आज मैं आपको बताऊंगा इंसोमनिया क्या होता है और इंसोमनिया के सिम्टम्स क्या हैं और ये आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि व्हाट कॉजेस इंसोमनिया, क्या कॉज फैक्टर्स हैं इंसोमनिया के। तो लाइक डे टू डे बेसिस में लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इसका कॉज है, प्लस परसिस्टेंट स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना भी इंसोमनिया का कारण बन सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या इंसोमनिया के फैक्टर्स होते हैं, व्हाट फैक्टर कॉजेस इंसोमनिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पुअर हैबिट्स, जो हमारी डे टू डे पुअर हैबिट्स होती हैं कि लॉन्ग टाइम तक टीवी देखना, बहुत देर तक फोन चलाना, रात में बेड टाइम में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होना, और बहुत ज्यादा आप निकोटीन लेते हैं लाइक मोर ओवर कैफीन टी आप लेते हैं पूरे दिन में जो आपको लेनी चाहिए नियमित रूप से, और रात में भी कुछ लोग क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा कॉफी लेते हैं और चाय लेते हैं, तो उसमें जो निकोटीन होता है वो भी बहुत बड़ा इंसोमनिया का फैक्टर। तो आइए अब जानते हैं व्हाट कॉजेज इंसोमनिया। तो इंसोमनिया के क्या क्या कॉजेज हैं, लाइक डे टू डे स्ट्रेस लेना, बहुत ज्यादा परसिस्टेंट स्ट्रेस, प्लस बहुत ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और प्लस और जो है हमारी पुअर हैबिट्स हैं लाइक अल्कोहल स्मोकिंग, और इससे आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपका बीपी बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर सकता है, प्लस डायबिटीज आपके एग्रीवेट होगी, प्लस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टायर्डनेस रहेगी, बहुत ज्यादा लिथार्जिकनेस फील होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे अब हम इंसोमनिया को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप जल्दी बेड पे आराम से सो सकते हैं, बेड पे फोन का यूज अवॉइड कर सकते हैं, प्लस आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा आप जल्दी काम करके खत्म करें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, प्लस अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजप्शन ना करें। धन्यवाद।